गया तुम्हें इरसा? तुम्हारा घर है, रिलैक्स बैठो। ये पैसे? ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो पप्पू ने दिए थे। हाँ तो ये तो तुम्हारे, मगर मुझे अपने पास इतने पैसे रखने की आदत नहीं है। तो आदत डालो, सिर्फ ये पैसे नहीं बल्कि अब तो इस घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं तुम पे डालने वाला हूँ, ठीक है? आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें। लग रहा है मुझे शादी का पहला दिन है और ऑफिस जाना है। सो सॉरी, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना सीरियसली मैं नहीं जाता। अगर नहीं गया तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? एक्चुअली कोई 2:30-4 बजे तक आई विल बी डन, तो फिर कहीं शॉपिंग पे चलते हैं। शॉपिंग क्यों? उस दिन तो इतनी सारी शॉपिंग की थी। अरे वो तो शादी की शॉपिंग थी ना, ये मतलब घर के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे, कुछ कैजुअल, कहीं आना जाना भी होगा, कुछ जूते सैंडल्स जो भी तुम्हें लगता है वो खरीद लेना, फिर कुछ खा पी भी लेंगे। सुने, आप ऑफिस जाते हुए मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? नहीं, तुम्हारे घर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ूंगा, क्योंकि अब तो ये तुम्हारा घर है। चले, अब जाएं, मैं आती हूं। चलो मैं वेट कर, ओके? यार चाय बनाते हैं। पत्ती कहाँ गई? कहाँ रख दी है इसने पत्ती? तो ये कहाँ है भाई, पत्ती कहाँ रह गई? यहाँ भी नहीं है। इसमें कौन आ गया? अरे कौन है भाई? आ रहा हूं। कौन? बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, मेरी रानी आ गई, मेरी शहजादी आ गई। क्या तो साहब जी कहाँ है? वो शाम को लेने आएंगे मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ना, हाँ अंदर आ, अंदर आ, बैठ। अच्छा अच्छा अच्छा, आना, इधर बैठ मेरे पास, इधर 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 बैठ, इधर बैठ। जीती रहे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। बैठ ना, बैठ। कुछ खाएगी? चाय बना रहा था अभी, पत्ती का डब्बा ही नहीं मिला मुझे। तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं कुछ नहीं। हाँ भाई, अब तू अमीर घर की बहू है, गरीबों के घर की चीजें तुझे कहाँ पसंद आएंगी। आपने खाना खाया? वो हाँ, मैं वो चाय चाय बना रहा था बस, अभी दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का, मैंने कहा चाय पीता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये रहने दो, तुम रख लें। अच्छा नहीं लगता ना बेटा,
जीती रहे बेटा, जीती रहे। अब्बा एक बात बोलूं? हाँ बेटा बता, क्या बात है मेरी जान, बता। आशा छोड़ता है। छोड़ दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, तू फिक्र नहीं कर, छोड़ दूंगा। तू 2 मिनट यहां बैठ, मैं अभी आया। Excuse me everyone, एक मिनट रोके आप। अगर मेरी शादी से किसी को बहुत बड़ा मसला है या प्रॉब्लम है तो मेरे कमरे में आइए और मेरे मुंह पे बात कीजिए जो करनी है, और अगर इतनी हिम्मत नहीं है ना आप लोगों में तो ये सरगोशियां और चैमगोइयां बंद करें और अपने काम पे तवज्जो दें। चलें सब। के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। भाई, भाई, क्या है? वो आई है। अकेले आई? पता नहीं, साहब छोड़ के गए। अरे अरे भाई सुने, भाई तो ये कुछ बताना मुश्किल है। भाई चाचा के आने का वक्त होगा, रुक जाए। कौन? कौन? मुझे तुमसे मिलना है। ये क्या बदतमीजी है? देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मगर मुझे तुमसे नहीं मिलना, और अब्बा घर पे नहीं है। मैं जानता हूँ कि अब्बा घर पे नहीं है। देखो दरवाजा खोलो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें नहीं देखना, और मैंने कहा था ना कि मेरे सामने मत आना। ये क्या हरकत है? देखो मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना 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 क्या? तुम्हें नहीं तो खुद को मार ही डालूंगी मैं। अरे मार ही तो डाला है, खुद को भी और मुझे भी।
ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम होते कौन मुझे ये बताने वाले कि मैंने ठीक किया या गलत? हाँ, मैं कोई नहीं लगता तुम्हारा, और वो जो तुम्हारा लगता है ना, उसे देखा है मैंने। अरे तुम्हारी बाप की उम्र का है, तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा वो। मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें इससे क्या कि मैं खुश रहूं या ना रहूं? वो तो नजर आ रहा है कि तुम कितनी खुश हो। ये महंगा लिबास, ये जेवर पहनकर तुम्हें क्या लगता है कि इन सब में तुम अपना गम छुपा लोगी? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रुको, बताओ जाते हो या खुद को आग लगा लो? चला जाऊंगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां रहा ना तो तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब तक तुम्हें देखूंगा, ये जब तुमने रंगों के अंदर अपना गम छुपा रखा है ना, जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, ये नहीं देख पाऊंगा। जानता हूं तुम खुश नहीं रह पाओगी, फिर भी दुआ देता हूं कि तुम खुश रहो। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी क्या देख रही हैं? जैसे आखिरी बार देख रही हैं। शर्म नहीं आपकी माँ से इस तरह की बात करते हुए? मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम? मैं खुद रिश्ता लेकर जाती तेरा के पास, जाकर अपनी झोली फैलाती, फिर साकिब बहुत का पैर पकड़ लेती और तेरे लिए उसको मांग लेती। मैं एक बार बताने की कोशिश की तो थी आप, पर आपने मेरी सुनी नहीं।
खैर कसूर आपका भी नहीं है, शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं थे। हम लोग रो क्यों रहे हैं? हमें तो खुश होना चाहिए ना, इसकी शादी इतने बड़े घर में जो हुई है। उसने जो कपड़े पहने हुए थे, मेरी पूरी तनख्वाह भी खर्च हो जाती तो मैं नहीं खरीद पाता। अच्छा हुआ कि उसके अमीर आदमी के साथ शादी हो गई। क्या हुआ कि वो उम्र में बड़ा है, कुछ ख्वाब तो उसके पूरे हो जाएंगे ना। जिंदगी में सब कुछ थोड़ी मिलता है। चलता नहीं किया तुमने यार। आशिद मैं सीरियसली मतलब आज नहीं, आज आई दिल बहुत दुख है। फिर कभी आज नहीं, आज तुम कुछ भी बोलोगे ना तुम्हारे तमाम लफ्जों की कोई वक्त नहीं होगी। खैर सुनो, फिर किस दिन सुनो। फायज साहब बहुत अपसेट, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिफरेंट रखता हूं, एक ही पलड़ में नहीं तो। बहुत बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी कॉलेज लाइफ की, इसलिए हमारी दोस्ती में कभी भी कोई फर्क नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। भाभी को किसी दिन लेकर आओ ना डिनर, अच्छा लगे। हाँ भाई, अब तो कोई कॉफी भी नहीं पूछेगा हमें। फॉर गॉड सेक राशिद, चाय निकाल ही देता हूँ मैं। हाँ राशिद साहब आए, उनकी कॉफी और साथ में। ठीक है
कैसी रही शादी? बहुत बहुत सादगी से सब। चलो अच्छा है, हर काम सादगी से ही अच्छा लगता। क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? तुम इधर आके बैठो, तुम जगह धोने से ना बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। क्या खाने में क्या खाना है? मेन्यू मंगवा दो। ये रहा मेन्यू। आई थिंक फिश एंड चिप्स। अस्सलामुअलैकुम आरिफ, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम आरिफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बेहतर हूँ साहब, बेहतर हूँ। आप साहब अंदर आ जाते। बिल्कुल आ जाता, लेट हो गया थोड़ा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा साहब, जैसे आपकी मर्जी। ऐसा जी क्या हो गया, कहाँ देख रही हो? नहीं कुछ नहीं। चले, और सब ठीक है? जी जी साहब। तबीयत कैसी है? तबीयत बेहतर हूँ साहब, बेहतर। चल शुक्र शुक्र, चले फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहब। क्या प्लान है? जो आपको ठीक लगे। भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, चलते हैं। Anything else, ma'am? No, thank you. Sir? No, thank you. Thank you, sir. Shuru karein? Ji. Chale, bismillah. Mujhe samajh hi nahi aa raha tha, tumhe kya pasand hai, kya pasand nahi hai. To isliye maine zara do teen alag alag kisam ki dishes mangwa li, taaki tumhe jo bhi pasand ho. शुरू करो ना। कुछ और ले लो। नहीं इतना कुछ तो है, और मुझे वैसे भी ज्यादा भूख नहीं है। तुमने पिज्जा ट्राई किया है इनका? बेस्ट है, बेस्ट, ट्रस्ट मी। मैं अपनी डाइट खराब करता हूं यहां। ये लो पकड़ो।
एक बात बताऊं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने, ये वाले पिज्जा जो है ना, खामखा लोग छुरी कांटे से खाते हैं। हाथ से खाओ भाई, हाथ से खाने का अपना मजा। सीरियसली हिम्मत कैसे हुई है ड्रेस पहनने की? ये मुझे साहब ने अभी इसी वक्त जाके चेंज करो, और खबरदार जो आइंदा तुमने मेरी मामा की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो। आइजल, क्या हुआ है बेटा? Are you okay? मैं ठीक हूँ, I'm fine. Are you sure? क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हो सकता है आइजल फ्रैक्चर ना हो। क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। पापा सर, I'm fine. आप इनका ख्याल करें। सफ़िया भी ये रूम में ले आइए। उठे 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 चाचा, आपको तो कांच चुभा है।
देख के देख के देख के आराम से आराम से आराम से आराम से देख के चाचा देख गए देख रहा हूँ तकलीफ हो रही होगी आपको मुझे तकलीफ नहीं होती है मुझे कोई दर्द नहीं होता मुझे नहीं होता नहीं पता चलता मुझे दर्द दर्द नहीं होता है मुझे नहीं तकलीफ होती है ख्याल रखें अपना चचा इरसा को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं डरना नहीं है बिल्कुल नहीं डरना इरसा से उसको बताना कि मैं बिल्कुल ठीक हुआ मुझे नशा भी नहीं करता मैं नशा नहीं करता बता देना चचा आपकी हालत सही नहीं लग रही है सही है मैं इरसा को फोन करूं बुलाऊं उसे वो गुस्सा करके गुस्सा उसे नहीं बताना हाँ अच्छा मैंने खाना रखा है आप खा लीजिएगा हाँ खाना खा लूँगा खाना मैं खा लूँगा खाना हाँ तू जा तेरी माँ इंतजार कर रही होगी तेरा अच्छा परेशान होगी किधर गई है तो ये कचरे में फेंक दो कोई ये भी कचरे में फेंक दो सब कचरे में फेंक दो दरवाजा भी लगा लूंगा मैं लगा लूंगा तो तू याद होगा यार लगा लूंगा सुने हाँ अभी ये वाला ड्रेस पहन लो हाँ पहन लो मैं आइसल से मिलूं आइजल बेटा यहां आके बैठो कम हम सब कुछ डिस्कस कर चुके थे उसके बावजूद भी आई नो बेटा तुम मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हो तुम ये भी जानती हो कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो करूं जो तुम चाहती हो लेकिन बेटा तुम भी ये बात जानती हो कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं कभी कभार इट्स लाइक
जिंदगी में मैंने भी बहुत लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, जिनमें मेरे कुलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। कई दफा वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे नाराज हो जाऊं। खास तौर से वो लोग जिन्होंने कोशिश की, पर हां कोशिश करके नाकाम हुए, उनसे मैं कैसे खफा हो जाऊं। जिंदगी है, आगे बढ़ना होता है, बहुत कुछ मैनेज करना होता है। कभी कभी हालात के साथ, दोस्तों के साथ, नए रिश्तों के साथ, वरना तो बेटा जिंदगी रुक जाएगी। तुम फोन करना है, आगे बढ़ना है। अब मैं भी तुमसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम मिर्सा को कबूल कर लो।